वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। आपने ये बात समझनी है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर क्या फर्क होता है। मैं आपको ये गौर से समझा रहा हूँ, आपने ये प्यार मोहब्बत से समझना है। अब अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास समझे, ये मेरे पास एक एरिया है, भयानक सा एरिया है, समझे, ये मेरे पास एक एरिया है। अब इस एरिया के अंदर आप समझे कि मेरे पास तीन एरिया, इस तस्वीर को गौर से समझिएगा ताकि आप लोगों की जिंदगी बेटा क्या हो जाए, आसान हो जाए। अच्छा, अब आप इसको तस्वीर को गौर से समझे कि ये जो हमारे पास तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी समझना है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, किस तरीके से फैली हुई है। अब अगर मैं बताऊं तो मैंने इसके अंदर चार एरिया बनाए थे, एक मैंने रेड बनाया था। अगर मैं रेड की बात करूं तो ए आप ये कहोगे कि यार ये प्रॉपर तरीके से क्या हुआ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। आप ये बताओगे ये क्या हुआ हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, सही है। तो आप ये बताओगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है क्या, मतलब इट इज वाइड स्प्रेड, ये फैला हुआ है। अच्छा, अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं, ग्रीन वाले की अगर मैं बात करूं तो समझो आपको मैं ये ग्रीन वाले यहां से मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया। अगर मैंने ये ग्रीन मिटा दिया तो आप ग्रीन में क्या कहोगे, आप ग्रीन में ये कहोगे कि भाई मेरी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि एक एरिया के अंदर ही सिर्फ पॉपुलेशन है, बाकी एरिया क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर मैं ये ग्रीन वाला हिस्सा देखूं तो ग्रीन वाले हिस्से के अंदर मेरे पास सिर्फ एक एरिया भरा हुआ है, तो आप क्या बताओगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सही है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मैं लाल वाले की बात करूं तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये प्रॉपर तरीके से क्या हुआ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अच्छा, फिर अगर मैं ये पर्पल वाले की बात करूं तो आप पर्पल वाले में भी क्या बोलोगे कि पॉपुलेशन क्या वीवी है, डिस्ट्रीब्यूट वीवी है। फिर अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, ये जो ब्लैक से बनाया हुआ है, तो ब्लैक वाले से आप क्या बोलोगे बेटा, ब्लैक में भी क्या वीवी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट वीवी है, सिर्फ एक जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं वीवी, वो है ग्रीन वाला। अब सवाल है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि भाई आपकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, आपकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है वो किसके अंदर आ जाएगी बेटा, वो पॉपुलेशन डेंसिटी में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर। अब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो बेटा बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पर है बेटा, सब सोचकर बताओ कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस में सबसे ज्यादा है, रेड में, ग्रीन के अंदर, पर्पल के अंदर या फिर ब्लैक के अंदर। अगर आपका आंसर रेड है तो आर जी फॉर ग्रीन, पर्पल पी या फिर ब्लैक पी, कोई भी आंसर बताएं कि जल्दी से कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा लोग आपको कहां पे लग रहे हैं। जिन्होंने ग्रीन बोला, जिन्होंने रेड बोला, दोनों ने सही बोला। देखें ग्रीन के अंदर भी पॉपुलेशन डेंसिटी इस साइड पे काफी ज्यादा है और यहां पर भी इस साइड पे काफी ज्यादा है, दोनों तरफ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके लोग कितने करीब करीब है, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि भाई किस तरीके से आपके लोग स्प्रेड आउट हुए हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, एक एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। जहां पे जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ये नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों का फर्क आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पेपर के अंदर सवाल आएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, कहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। पॉपुलेशन हमेशा वहां पर ज्यादा होगी जहां पे फ्लैट लैंड होगा, जहां पे रग टोपोग्राफी होगी वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी, कम। जैसे कि आपको ये बात पता है कि पंजाब और सिंध में फ्लैट लैंड है, जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन भी क्या है बेटा, ज्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान की, नॉर्थन एरियाज की, वहां पे रग टोपोग्राफी है। जब रग टोपोग्राफी है तो वहां पर पॉपुलेशन भी क्या है बेटा, कम है। फिर आप ये बताओगे अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल का मतलब होता है जहां पे रिच इन मिनरल्स वाली सॉइल होगी, जिसमें मिनरल्स वाली अच्छी सॉइल होगी, तो वहां पे भी आपके पास टोपोग्राफी क्या, वहां पे आपकी पॉपुलेशन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा। फिर आप ये बताओगे जहां पे आपका क्लाइमेट एक्सट्रीम ना, जैसे कि नॉर्थन एरियाज में ठंड बहुत ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा नहीं रहते, बलोचिस्तान और की साइड पे डेजर्टेड एरियाज का ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो लोग नहीं रहते। मॉडरेट टेम्परेचर होगा जैसे पंजाब के अंदर है। अब आप बोलोगे सर पंजाब में भी तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, बेटा पड़ती है लेकिन वो बियरेबल होती है, बर्दाश्त के काबिल होती है, तो जिसकी वजह से लोग रह रहे हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट ये होता है कि बर्दाश्त के काबिल ना हो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अगर आप हमेशा उस जगह पर रहोगे या फिर उस जगह पे आप बाय करोगे जहां पे आपको फैसिलिटीज हो, जहां पे गैस हो, जहां पे साफ पानी हो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो, जहां पर आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो। बच्चे का सवाल आता है सर फिर लोग डीएचए में क्यों रहते हैं, वहां पे तो गैस का भी प्रॉब्लम आता है, हमें गैस वहां से चुरानी पड़ती है, फिर हमारे पास क्या साफ पानी, वहां पे नलकों में पानी नहीं आ रहा सर, टैंकर मंगाना पड़ता है। बेटा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बेहतर है ना, रोड्स तो अच्छे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का मसला तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि गांव देहात में रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। अब आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे एलिट क्लास रह रही है, उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट रोड्स और तो अच्छे है ना, तो ये चीजों का फायदा है जिसकी वजह से लोग वहां पे रहना प्रिफेयर करते हैं। फिर आप ये बताओगे कि भाई एक ऐसी जगह पे रहना पसंद करूंगा जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहां पर लोग लड़ते नहीं हो, जहां पे फंडेबाजी चलती रहे है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते। फिर आप ये बताओगे सिक्योरिटी अच्छी हो, जहां पे टेररिज्म क्या हो, कम से कम हो। बच्चे का सवाल आता है सर फिर लोग कराची में क्यों रहते हैं, बेटा मजबूरी है वरना नहीं रहते, तो मजबूरी है कि भाई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो टेररिज्म एक्टिविटीज जहाँ पे कम होगी वहां पर लोग क्या रहेंगे, वहां पे रहेंगे। रिवर्स होंगे जहां पर, ताकि पानी की सप्लाई क्या हो, अवेलेबल हो। फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हो, ये नहीं कि सर आपने ये बात बताई तो आप सिर्फ ये लिखोगे, आप ये बता सकते हो वहां पे रह सकते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट हो, जहां पे रेलवे हो, जहां पे सी पोर्ट हो, या फिर आप ये बता सकते हो कि हम वहां पर रहे जहाँ पे मार्केट एक्सेसिबल हो, जहाँ पे मार्केट क्या हो, करीब हो। हम वहां पर रह सकते हैं जहां पर क्या हो कि ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा ना हो, ट्रैफिक की पॉल्यूशन ज्यादा ना हो। लोगों की जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि वो रोड फेसिंग बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं कि शोर शराबा ना हो। जैसे अगर मैं बैंगलोर ले रहा हूँ तो मैं कभी भी रोड पर नहीं लूंगा, मेरी कोशिश होगी मैं उसको गली की तरफ ले लूँ। बच्चे कहते हैं सर रोड पर महंगा होगा, इसलिए महंगे की भी वजह होती है, दूसरी वजह ये होती है उनको ये डर होता है अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है आपके घर के अंदर घुस सकती है, आपके घर पे शोर होगा, आप घर से गाड़ी से बाहर निकल रहे हो आपको सिग्नल पे वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारी कुछ प्रायोरिटीज होती है, उसके तहत हम वहां पे जगह रहना पसंद करते हैं, और जिस जगह पर हम रहेंगे वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। जैसे बलूचिस्तान में पेपर में सवाल आएगा कि मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों है, तो आप ये बता देंगे वजुहत कि भाई वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, रोना धोना शुरू कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, रिवर्स का मसला है, फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं है, रक्त टोपोग्राफी, तो रोना धोना करना है। जब बोलेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों ज्यादा है, तो आप फायदे बता देंगे, और जब वो पूछे पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों कम है, तो आप क्या बता देंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे। तो होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई होगी।